अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे इंशाल्लाह। और जी आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ हमारी नाइट टाइम के जी शशके। और जब भी हम बाहर जाते हैं हानिया के लिए स्पेशली, क्योंकि वो घर पे नहीं टिकती, उसको पता है कि मुझे ये डेली लेकर जाते हैं, डेली घुमाते हैं, तो जी मुझे जाना ही जाना है, तो वो ज़िद पे आ जाती है इन दी एंड, तो हमें लेकर जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम बाहर निकले हैं, हानिया का दिल था आइसक्रीम खाने का, वो जी उसने आजकल नया वर्ड सीख लिया आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कहती है, तो हमें पता चल जाता है कि इसके इसको ना आइसक्रीम ही खानी है। तो जी जब हानिया के लिए आइसक्रीम आ रही है, तो मैंने सोचा जी मुझे लगी थी भूख और मैंने ये एक न्यू जो प्लेस है वो डिस्कवर किया, तो यहाँ का जो शवारमा है ना बहुत मज़ेदार है। वो लोग जो रहते हैं कतर में और आप लोगों का दिल है हल्का फुल्का सा खाने का, तो जी यहाँ पर फिलाफिल सैंडविच बहुत मज़े का मिलता है, मटन और चिकन भी होता है, लेकिन इस टाइम वो दोनों होते हैं जी ख़त्म, तो जी मुझे एंड अप करना पड़ता है फिलाफिल सैंडविच पर, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और जी फाइनली वेट ओवर होता है और रात के टाइम इतना ज़्यादा ना रश होता है ना आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है, यहाँ से ऑर्डर दो तो जी वहाँ से बन के ना आपका गर्मा गर्म सैंडविच जो है फिलाफिल आ जाता है। और जी यहाँ पर मैं और हानिया मिलकर करेंगे सैंडविच को एंजॉय, और उसके बाद जी नेक्स्ट स्टॉप होगा मैकडोनल्ड की तरफ, और वो आपसे भी थोड़ी देर में करती हूँ शेयर। और जी ये है फिलाफिल सैंडविच, बड़े मज़े का होता है, ये मूंग की दाल की टिक्कियाँ होती हैं जिनको हम जी फिलाफिल बोलते हैं, और ये बड़े मज़े का होता है फिलाफिल सैंडविच, तभी हम करेंगे एंजॉय, साथ में हानिया भी कर रही है मज़े मज़े से एंजॉय। और जी फाइनली मेरा सैंडविच तो यहाँ रास्ते में ही मैकडोनल्ड जाते जाते हो चुका था ख़त्म, और यहाँ पर हम आ गए अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जो कि है जी मैकडोनल्ड्स, और यहाँ पर जी लेनी थी हानिया की आइसक्रीम जो कि अवेलेबल नहीं थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था और उन लोगों ने जो मशीन थी आइसक्रीम मशीन वो कर दी हुई थी बंद, तो इस वजह से इस ब्रांच से तो हमें नहीं मिली आइसक्रीम, तो हमने सोचा चलें जी दूसरी ब्रांच की तरफ जाते हैं और वहाँ से जी लेते आइसक्रीम हानिया के लिए, वो भी मैकडोनल्ड की ही ब्रांच थी। और यहाँ पर हानिया जब भी म्यूज़िक लगता है गाड़ी में तो जी वो मज़े मज़े से इंजॉय करती है और थोड़ा सा जी हिप हॉप करती है, और बच्चों का ये होता है जहाँ म्यूज़िक थोड़ा सा सुना तो जी वहीं पर स्टार्ट हो जाना डांसिंग करना। और यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड की तरफ जो कि है जी दूसरी जगह, और वहाँ से जाके जी चेक करते हैं, लेकिन अनलकीली अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पर भी नहीं मिली आइसक्रीम, क्योंकि वही बात कि उन लोगों ने भी मशीन बंद कर दी थी, तो हमें लगा कि यहाँ पर नहीं मिली तो वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली वहाँ से भी। तो जी फाइनली हमने जो लास्ट स्टेप था कहाँ पर जाके गाड़ी स्टॉप की, वो थी जी हार्डीज़, और हार्डीज़ जी खुला हुआ था लेकिन वहाँ पर भी हमें आइसक्रीम शेक ही मिला, आइसक्रीम नहीं मिली। तो जी वो आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं, और जी मज़े मज़े से मेरे हस्बैंड और हानिया ने जी इंजॉय की, मैंने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चुंगा मुंगा जो मिलता है आपको एंड पे, मैंने वही आइसक्रीम इंजॉय की क्योंकि वो थी बड़े ग्लास कप में और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इनफ थी। आई थिंक दो लोगों के लिए जी वो एक ग्लास, वो जो एक कप है वो इनफ है। अगर आप लोगों ने भी हमारी तरह रात के टाइम आइसक्रीम को एंजॉय करना है तो जी आप भी ये कर सकते हैं। ये था जी आइसक्रीम शेक जो कि बहुत मज़े का था, और जी जिसे हम एंजॉय करेंगे तीनों मिलकर, और तब भी बहुत मुश्किल से ख़त्म किया था क्योंकि ऑलरेडी मैंने सैंडविच खाया हुआ था, लेकिन स्टिल बहुत मज़े का था। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस जॉय। गुड मॉर्निंग, डू यू हैव कोन आइसक्रीम? यस सर, वी हैव सर, बट आइसक्रीम मिल्क शेक ओनली। यू डोंट हैव एनी आइसक्रीम? We don't have ice cream in cone, sir. Mm-hmm. Only in a cup, 10 riyals, sir. It's okay. Give me that one. Okay, sir. Which flavor, vanilla or strawberry you want, sir? खुश हो गई। आइसक्रीम फॉर हर। बाय बाय। बाय बाय। यू वांट कुकीज? नो कुकीज। यस। हाउ डिड यू? पानी। पानी की तो मौजें हो गई हैं। वाओ। देखो। Thank you.
can I have one spoon, please? Yeah, sure. Ali? Yeah, thank you. Wow. Thank you so much. Ani ki to mauj ho gayi hai Ani. Itna pyar. Ye aapke liye isne diya hai. Kari aap khao. Thank you. For ye meri cheez mujhe pakdao. Ek minute main thodi kar dunga phir aapko. Wow, yum. Aaj call kar dete. Ye lo. ये हानिया को जी साथ में फ्री में मिली आइसक्रीम के साथ वो भी हैरान थी इस टाइम बच्चा उठा हुआ है आइसक्रीम चलो जी लेट्स वी विल ट्राई दिस कुकी और हानिया अपनी ना आइसक्रीम एंजॉय करेगी वाओ यम यम कैसी है फर्स्ट टाइम ये मैं जी ट्राई करने लगी हूँ हार्डीज की कुकी सॉफ्ट सी है मज़े की है मज़े की जी कुकी मेरे सैंडविच हमारा हो गया था उसके साथ अच्छा हमें ना एक मीठा खाने को मिल गया इन द फॉर्म ऑफ कुकी ने तो खा लिया था अपना सैंडविच और इसके साथ ये मीठा हो गया जो कि हमें कुकी की फॉर्म में ना मीठा खाने को मिल रहा है बड़े मज़े किए मज़े की इसलिए एक तो बहुत मज़े की बनी हुई है दूसरा फ्री में मिल गई ना बच्चों के साथ आने के ही फायदे हैं मुझे बड़ा मजे की लगी है ये बंदा ले ही ले करे जब बाहर आए ना चाय शाय जब पीनी हो ना उसके साथ आप ये किए ना कुकी मस्ट ट्राई करें ट्राई जरूर लें बल्कि मैं तो कहती जरूर वाकई में बहुत मजे की है मुझे दोनों मिलके जबरदस्ती ना एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम में शेक है क्या है आइसक्रीम में शेक नहीं करती हूँ इस तरफ भी आती हूँ सब्र करो तुम दोनों जो मिल मिल के कर रहे हो ना गले गले एंजॉय सब्र कर जाओ माशाल्लाह सुबह हो गई मज़ा आता है इस टाइम जब आप सुबह करके घर जाओ ना बहुत मज़ा आता है जबरदस्त ये लो खाने ये लो खा लो बस मेरे ख्याल से उसकी बस हो गई है कुकी को मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया और अब मेरे हाथ में ये है जो मैं खा रही हूँ बड़े ही मज़े का ये भी आइसक्रीम प्लस शेक है और ऊपर हमने जी व्हिप्ड क्रीम ऐड करवाई थी मजेदार यम्मी जब वहां पर अब कुकी एंजॉय हो रही है खाने यम और जी ये थी जी हमारी आज की छोटी सी नाइट टाइम रूटीन विद हानिया और बच्चों के साथ जाएं और जी बड़े आपके भी शशके हो जाते हैं बच्चों को देखकर जी लोग जो चीज़ें देते हैं खाने पीने को आपको भी जी मिल जाती हैं और यहाँ पर हमारी जी घर की तरफ हो रही है वापसी अब जाएंगे घर और हानिया को भी सुकून आ गया था कि उसको भी आइसक्रीम मिल गई है बाहर का राउंड उसको लग गया है तो जी बच्चों को फिर सुकून से आती है नींद आजकल थोड़ी सी जिद्दल हुई है ये इस वजह से कि मुझे बाहर लेकर जाएं और मुझे बाहर घुमाएं फिराएं और जी आइसक्रीम खानी ज़रूर है
और यहाँ पर हमारी वापसी घर की तरफ हो रही है। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी इसी के साथ मुझे दे इजाजत, अपना रखे खास खास ख्याल और जी बच्चों का भी रखे खास ख्याल, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो हुए हैं जिद्दल और वो जी अपनी हर बात मनवा रहे हैं और हमसे अपना एक एक जो हमने उनको पहले घर पर रखा हुआ था इतने दिन, तो जी एक एक वो चीज़ का हिसाब ले रहे हैं, हमसे बदला ले रहे हैं। तो जी चलती रहती है ऐसी ज़िंदगी, ऐसी रूटीन। और इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को रखिए अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे मैं जी आने वाले ज़बरदस्त से ब्लॉग्स में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।